गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और आज फिर आप सबों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लास आप लोगों से चर्चा शुरू भी है, और उसका पार्ट टू, पुरस्कार और सम्मान पार्ट टू के तहत हम लोग बात करेंगे कि और क्या क्या पुरस्कार और सम्मान क्षेत्र से आने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पुरस्कार सम्मान पार्ट टू को आप लोग ध्यान से देखें, और मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप जैसा कि बोर्ड पर मैंने बताया है, पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड पार्ट टू में हम लोगों ने जो पहला टॉपिक उठाया है वो है गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार, है ना। गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार पर हम लोग बात कर रहे हैं, गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। एबेल पुरस्कार 2022, और गणित के क्षेत्र में ये जो एबेल पुरस्कार दिया गया है वो डेनिस पोनेल सुलिवान को, यूएसए के हैं ये, डेनिस पोनेल सुलिवान। ये गणित का जो एबेल पुरस्कार है, गणित का एबेल पुरस्कार ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार जो है एबेल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। पहला चीज ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि ये 2003 से दिया जा रहा है, 2003 से दिया जा रहा है, 2003 से दिया जा रहा है, ठीक है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित में एक विधा होती है टोपोलॉजी, है ना। गणित में एक टोपोलॉजी के क्षेत्र में टोपोलॉजी होता है, पढ़ाया जाता है, और उस क्षेत्र में स्पेशल वर्क करने वाले को ये एबेल पुरस्कार दिया जाता है, है ना। गणित के क्षेत्र का एक बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, जो डेनिस पोनेल सुलिवान को दिया गया है 2022 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पुरस्कार हम लोग देखते हैं, बूकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, है ना। बूकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, और वो भारत की हैं, और इन्होंने जो किताब लिखी है वो रेत की समाधि, ठीक है, जिसका अनुवादक डेजी रॉकवेल हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, और फिर नाम दिया है टॉप्स ऑफ सैंड। तो बूकर पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है बूकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसे पहले हम लोग क्या कहते थे, बूकर पुरस्कार को ना पहले मैन बूकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, मैन बूकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था ये पहले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और इसका आयोजन कहाँ होता है? यूके में होता है, है ना, यूके में आयोजित होता है ये आयोजन कहाँ पर? यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन होता है। और इसकी शुरुआत जो है प्रारंभ 2004 से हुआ है, और ये बहुत ही कोई भी विश्व में किसी भी भाषा का वो साहित्य हो, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद होता है उसी के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया जाता है, है ना। तो अब देखो, भारत की है गीतांजलि श्री, इन्होंने लिखा है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल है इसके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है ना।
गीतांजलि श्री की पुस्तक जरूर है, लेकिन ये पुरस्कार अनुवादक अनुवादन के लिए दिया जाता है ना। पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था इसको, आप बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। आयोजन यूके में होता है, प्रारंभ 2004 में होता है, और जो प्राइज मिलता है ना, जो पुरस्कार राशि मिलती है, वो इन दोनों के बीच बंटता है ना, जो राइटर हैं वो और जो ट्रांसलेटर हैं उन दोनों के बीच आधा आधा बट जाएगा जो पुरस्कार राशि होगी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें 50,000 पाउंड जो है पुरस्कार होता है, पुरस्कार की राशि, पुरस्कार कितना होता है, पुरस्कार 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड इस पुरस्कार राशि है। और ये पुरस्कार राशि दोनों को, आधा गीतांजलि श्री को मिलेगा और आधा डेजी रॉकवेल को मिलेगा, ये पुरस्कार राशि दोनों के बीच बांट दिया जाएगा, है ना। तो ये बुकर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये बाकी चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये चीजें आपको याद हो सके, या इससे थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो प्रश्न तो आप उसको आसानी से बना सकें, इसलिए ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार आप देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बेल्जेक को दिया गया है, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक बेल्जेक को दिया गया है, और ये भौतिक विज्ञानी है। लेकिन टेम्पल्टन पुरस्कार दिया किस लिए जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा मत आप लोग समझेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको दे दिए, है ना। ये पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार मुख्य रूप से ना अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन ये भौतिक विज्ञानी है, अध्यात्म क्षेत्र में इन्होंने विशेष वर्क किया है भौतिक विज्ञान के साथ साथ, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और अध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक है, फिलॉसफी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है। और ये पुरस्कार आपको जो स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ 1973 से हुआ। पहला पुरस्कार जो मिला, प्रथम पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को ये पुरस्कार मिला था, पहला पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। और मैं बता दूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुरस्कार है ना, सर्वाधिक राशि वाला व्यक्तिगत पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार, सर्वाधिक व्यक्तिगत राशि वाला पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार है ना। तो चीजें को ध्यान में रखेंगे, टेम्पल्टन पुरस्कार अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि साइंस मैथ मार देंगे, सबसे बड़ा पुरस्कार है, व्यक्तिगत राशि सबसे अधिक इसमें दी जाती है। प्रारंभ 1973 और प्रथम पुरस्कार जीतने वाली मदर टेरेसा, 22 आपका करंट है 2022 में फ्रैंक बेल्जेक को मिला है, भौतिक विज्ञानी हैं ये, लेकिन अध्यात्म में इनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, इसी कारण से इनको दिया गया है ना। पहले, ठीक है, इसमें या दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि पहले ना ये धर्म के क्षेत्र में दिया जाता था, 73 में जब स्टार्ट हुआ तो अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता था, धर्म के क्षेत्र में, लेकिन 1980 के बाद जो है इसमें विज्ञान भी ऐड हो गया, 1980 के बाद धर्म प्लस विज्ञान, है ना, दोनों विधाओं में ये टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। और इसमें तकरीबन जो अमाउंट है 1.3 पुरस्कार राशि जो है इसमें वो बहुत ज्यादा है, पुरस्कार राशि जो है 1.3 मिलियन डॉलर
के करीब है ना मिलियन डॉलर के आसपास इसमें पुरस्कार दिया जाता है, 1.3 मिलियन डॉलर, ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि है। तो व्यक्तिगत इससे बड़ा पुरस्कार, इससे ज्यादा राशि पुरस्कार नहीं दिया जाता है किसी में, ओके। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटले गोल्ड पुरस्कार है ना, व्हिटले गोल्ड पुरस्कार ये आपको दिया गया है 2022 में चारुदत्त मिश्र को, है ना, व्हिटले गोल्ड पुरस्कार चारुदत्त मिश्र को दिया गया है। और जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, कहने का मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो व्हिटले पुरस्कार है ये 15 नंबर, ये आपको पर्यावरण के क्षेत्र में है ना सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपको व्हिटले गोल्ड पुरस्कार चारुदत्त को ये दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है किस लिए दिया गया है चारुदत्त मिश्र को, ये स्नो लेपर्ड संरक्षण के लिए, स्नो लेपर्ड संरक्षण के लिए इन्होंने वर्क किया है, स्नो लेपर्ड है ना, स्नो लेपर्ड लियोपार्ड कह सकते हैं, लेपर्ड के संरक्षण के लिए है ना, संरक्षण के लिए, या हिंदी में आप समझ सकते हैं हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और किन्हें दिया गया है, चारुदत्त मिश्र को ये पुरस्कार दिया गया है, ओके। तो पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार या व्हिटले गोल्ड पुरस्कार, और हिम तेंदुआ है ना विलुप्त हो चुकी प्रजाति है, विलुप्त हो चुकी प्रजाति, आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे हिम तेंदुआ को भारत लाया गया है, स्पेशल चार्टर्ड विमान से यहां पर लाया गया है, ठीक है, ताकि उनकी प्रजाति को यहां पर फिर से हम लोग अभी कोई भी टीवी चैनल खोलते हैं तो एक न्यूज ये रहता ही है ना कि स्नो लेपर्ड को या लियोपॉर्ड को यहां पर लाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए वर्क किया है तो इनको प्राइस मिला है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं है ना, आगे हम लोग देखते हैं लॉरियस, लॉरियस पुरस्कार, ठीक है, लॉरियस पुरस्कार। और ये जो लॉरियस पुरस्कार है आपको वो खेल के क्षेत्र में, नाम से ही पता चल रहा है कि लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और खेल के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है वो सिर्फ नाम याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो पहला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टर्पेन है ना, ये नीदरलैंड के हैं और ये रेसर हैं, ठीक है, क्या है ये, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये रेसर हैं, ठीक है, रेसर हैं ये, मतलब रेस में इन्होंने जीता है, ठीक है, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। उसके बाद देखिए आप स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर महिलाओं में किसने जीता है, एलेन थॉम्सन हराह है ना, एलेन थॉम्सन हराह को ये पुरस्कार दिया गया है, ये जमैका की हैं और एथलेटिशियन है, एथलेटिक्स के क्षेत्र में इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो जीवन भर उपलब्धियों के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, वो टॉम ब्रैडी को दिया गया है, टॉम ब्रैडी ये फुटबॉलर हैं और अमेरिका के हैं, है ना। तो लॉरियस खेल पुरस्कार में ये नाम सिर्फ ध्यान में रखना है ना, इससे जुड़ी हुई बातें आपको बहुत सारा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत पहले से प्रारंभ नहीं है, है ना, ये 2000 से ईस्वी से ही प्रारंभ है, पुरस्कार जो है 2000 से प्रारंभ, ये खाली ध्यान में रखेंगे। बाकी जो नाम देख रहे हैं इसमें ढेर सारा अवार्ड होता है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर,
देन वुमेन ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इस तरह का लॉरियस स्केल से क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको बनाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आईसीसी के वर्ष 2020-21 के पुरस्कार, ठीक है, 2020-21, ये 22 का क्लियर नहीं है अभी तक, है ना। और इसमें हम लोग देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है और वो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने जीता है, उनको दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर जो है वो बाबर आजम पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, ठीक है, या मंधाना भी आपका नाम सही होगा, मंधावा या मंधाना को दिया गया है आईसीसी का महिला क्रिकेटर का, ठीक है। तो आईसीसी के 2021-22 आएंगे तो फिर उसको अपडेट करेंगे हम, है ना। जैसे ही नया समाचार आता है, नए अपडेट होते हैं, तो आपको हम यहाँ अपडेट करते रहेंगे और उसके बारे में अवेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64वें ग्रैमी पुरस्कार, इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं, ग्रैमी पुरस्कार को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार, ये और भी पुरस्कार होता है, ग्रैमी पुरस्कार के साथ साथ टॉमी पुरस्कार भी होता है, ग्रैमी पुरस्कार टॉमी पुरस्कार भी होता है, ठीक है, जो और क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार, ये ग्रामोफोन अवार्ड, और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, एल्बम ऑफ द ईयर, है ना, एल्बम ऑफ द ईयर, और है ना, और इसके जो कलाकार हैं जॉन वेस्टिस हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो यूएसए में आयोजित होता है, ठीक है, यूएसए में आयोजित होगा ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था ग्रैमी अवार्ड का, वो 1959 से शुरुआत, कब से हुआ, शुरुआत हुआ इसका 1959 से इसका स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, यूएसए। तो 64वें ग्रैमी पुरस्कार, ये और दो और पुरस्कार होते हैं, एक तो ग्रैमी हो गया, एक एमी पुरस्कार होता है ना, एमी पुरस्कार होता है, एक टॉमी पुरस्कार होता है, ये तीन पुरस्कार की घोषणा होती है ना, जो एक तो एल्बम के लिए दिया जाता है, एक थिएटर के लिए दिया जाता है ना। तो ये दो और होते हैं, एमी होते हैं और टॉमी होते हैं, टॉमी पुरस्कार, ग्रैमी, एमी एंड टॉमी पुरस्कार होते हैं, ठीक है। तो रंगमंच है ना, रंगमंच पे जो अच्छे वर्क करते हैं उनके लिए, थिएटर जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए दिया जाता है। ओके, अगला पुरस्कार जो है वो आपको 75वें कॉन पुरस्कार, इसको कॉन्स भी कहते हैं, कॉन्स एक जगह है जो फ्रांस में है ना, कॉन्स ये कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, ये फ्रांस में जगह है, और ये पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2022 का डाटा आपके पास लेके हम आए हैं, है ना, 75वें कॉन्स पुरस्कार 2022 में, देखो आप, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है ना, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है ना का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस का पुरस्कार, और इसके डायरेक्टर हैं रूबेन ओस्टलैंड, ठीक है, रूबेन ओस्टलैंड इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। कौन से फ्रांस में जगह है आपको ध्यान रखना है, फिल्म के क्षेत्र का एक बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, इससे जुड़े एक क्वेश्चन आपके पास था, है ना, कौन से पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और डायरेक्टर, इसको ध्यान में रखना था।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस है ना। इसके साथ साथ कुछ एक और प्रश्न बढ़ा सकते हैं इसमें, जनरली पूछता यही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसके डायरेक्टर, लेकिन सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का भी यहां पर ध्यान रखेंगे आप। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार आप ध्यान में रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो दिया गया है पार्क चानबुक को, पार्क चानबुक, पार्क चानबुक को दिया गया है। ये दक्षिण कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं, ये दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डिसीजन टू लीव, इन्होंने कौन सी मूवी बनाई, डिसीजन टू लीव, के लिए इनको दिया गया है ना। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है पार्क चान बुक को। ये साउथ कोरिया के हैं, इनकी मूवी है डिसीजन टू लीव। और इसी तरह से एक और इसका इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर है ना, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ना एक्टर शांग कांग हो, शांग कांग हो, शांग कांग हो को दिया गया। ये भी साउथ कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के हैं। और इनकी फिल्म जो है, फिल्म है ब्रोकर, फिल्म ब्रोकर है ना, फिल्म ब्रोकर के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ओके, अब जाके ये कंप्लीट हुआ है ना, 75वें कॉन्स पुरस्कार 2022। आप ध्यान रखेंगे इसकी फ्रांस में ये शुरू हुआ था, ठीक है, फ्रांस में दिया जाता है। और ये जो इसकी शुरुआत, जो कॉन्स पुरस्कार की शुरुआत एक ध्यान में रखना है ना, ये जो शुरुआत हुआ कॉन्स पुरस्कार की वो 1939 से शुरुआत जो है, ये 1939 से शुरू हुआ है, ठीक है। कॉन्स पुरस्कार फ्रांस में दिया जाता है, बड़ा सम्मानित पुरस्कार है ये फिल्म जगत का। ओके, तो और ये मेनली जो है वो हॉलीवुड का फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है ना। हमारे जो बॉलीवुड हैं, नामांकन नहीं हो पाता है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है ना, पुलित्जर पुरस्कार 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना। पत्रकारिता ये जन सेवा है, ठीक ना, ये जन सेवा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप ध्यान रखेंगे, जन सेवा है ना, जन सेवा, पब्लिक सर्विस के लिए पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। और ये पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है, वाशिंगटन पोस्ट को, वाशिंगटन पोस्ट, जैसा कि दिखा रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट है, इसको दिया गया है। और इन्होंने क्या पत्रकारिता की है, 6 जनवरी 2021 को है ना, कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए, कैपिटल हिल जिस पर हमला हुआ था 6 जनवरी 2021 को, और इसकी रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट को पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार। ओके ओके स्टूडेंट, तो पुलित्जर पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है ना, पुलित्जर पुरस्कार। और फिर हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के बाद अगला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार देख रहे हैं हम, 2022 94वें पुरस्कार की घोषणा हुई लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, कोड़ा,
है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा है और निर्देशक हैं सियान हेडर, डायरेक्टर्स हैं इसके सियान हेडर, ऑस्कर पुरस्कार यहां पर दिया गया है, ठीक है। और ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत भी है ना, यहां पर और भी इनके साथ देखते हैं और किन किन सेक्टर में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है ना, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो जेन कैंपियन को मिला है, उनकी मूवी द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, एक्टर है विल स्मिथ, इनकी जो मूवी है किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन को दिया गया है द आईज, है ना, इजोन नहीं, ये गलत है ना, आईज के लिए दिया गया है, द आईज ऑफ टैमी फे, जेसिका चेस्टन को दिया गया, द आईज ऑफ टैमी फे के लिए दिया गया है ना। फिल्म ड्यून को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार किसको प्राप्त हुए, ऐसा यदि कोई प्रश्न रहे तो आप ड्यून को मार सकते हैं, है ना, ड्यून को देखो 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और फिर ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि सबसे ज्यादा नामांकन किसको किसके लिए किया गया था, फिल्म क्या ना, फिल्म जो होता है वो अनेक क्षेत्रों में नामांकन होता है ना, बेस्ट डायरेक्शन के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए, बेस्ट स्टोरी के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, ओवरऑल बेस्ट फिल्म के लिए, तो ये बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिसके लिए इनका नामांकन किया जाता है। उनमें से किस में मिलेगा, है ना, किसी का एक में मिला, किसी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिल गया, तो ऐसा नहीं कि नामांकन उनका सिर्फ बेस्ट फिल्म के लिए हुआ था, है ना, तो अनेक सेगमेंट में उनका नामांकन होता है, किसी एक क्षेत्र में उनको दिया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा श्रेणियों में, सबसे ज्यादा सेगमेंट में नामांकन किस फिल्म का किया गया था, द पावर ऑफ द डॉग, मैं पहले आपको बताया, देखो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर मिला है जेन कैंपियन को, है ना, तो ये 12 श्रेणियों में इनका मतलब दावा किए थे, 12 श्रेणियों में पुरस्कार हमें मिले इसके लिए दावा इन्होंने किया था, लेकिन मिला है इनको एक श्रेणी में मिला है ना, क्या श्रेणी में मिला, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड इनको मिला है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है, बाकी क्षेत्र में नहीं मिला, ओके। तो ये ऑस्कर पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है, ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू हुआ है ना, 1929 से ये ऑस्कर पुरस्कार शुरू है, 1929 से शुरू ऑस्कर पुरस्कार। करेंट पढ़ रहे हैं तो जहां इसकी बैक हिस्ट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको करते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां फिर हम लोग नहीं करते हैं इसको, ठीक है, ओके। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार किसको मिला, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और इसमें मिस वर्ल्ड का पुरस्कार किसे दिया गया है वो आपको ध्यान में रखना है। ये पोलैंड की हैं और कैरोलिना विलावश्का, ये पोलैंड की कैरोलिना विलावश्का को मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है, ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है, ओके। उसके बाद आप देखो मिस यूनिवर्स 2021 का पुरस्कार किसको मिला है, ये भारत की हैं हरनाज कौर संधू, है ना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का, और ये 21 साल बाद है ना, भारत को 21 साल बाद है ना, 21 साल बाद ये पुरस्कार मिला है, 21 साल बाद भारत की सुंदरी मिस यूनिवर्स घोषित हुई है हरनाज कौर संधू, ठीक है, आफ्टर 21 ईयर्स हरनाज कौर संधू को ये अवार्ड दिया गया है। ये हरनाज कौर संधू नाम से ही पता चल रहा है भारत के किस क्षेत्र की होंगी,
नाम से ही पता चल रहा है भारत के किस क्षेत्र की होंगी, तो ये चंडीगढ़ की है, है ना, ये चंडीगढ़ की है, हरनाजिक और संधू चंडीगढ़ की है ना, हरनाजिक और संधू भारत को मिला है, ठीक है, और ये मिस यूनिवर्स है, ठीक है, और ये मिस यूनिवर्स का खिताब देने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है ये 1952 से शुरू हुआ है, शुरू 1952 से शुरू है मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जा रहा है, ठीक है, और ये हरनाजिक और संधू जो है तीसरी भारतीय है, है ना, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये तीसरी है तो दो पहले कौन है, ये तीसरी भारतीय है, है ना, तो पहला जो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था वो सुष्मिता सेन को मिला था, फर्स्ट है सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन को मिला था, है ना, सुष्मिता सेन सबको वाकिफ है, फिल्म जगत में काफी नाम है सुष्मिता सेन का, है ना, सुष्मिता सेन को मिला था, और दूसरी महिला या दूसरी एक्ट्रेस जिनको मिला ये, ठीक है, वो है लारा दत्ता, लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब, है ना, ये सब ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब हासिल किए हैं, और तीसरा जो है हरनाजिक और संधू, है ना, तो ये भारत की तीन मिस यूनिवर्स हैं, जैसे चार नाम दे दिया उसमें से आपको पूछेगा इनमें से मिस यूनिवर्स कौन नहीं थी, है ना, मान लो दे दिया तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे ना, देखिए जैसे हरनाजिक और संधू है तो लेटेस्ट है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, तो आपको लगेगा ऐश्वर्या राय है ना, जिसको जैसा पसंद हो उसको तो भाई मिस यूनिवर्स ही कहेंगे आप, तो इसलिए ये कंफर्म रहिए कि तीन ही को मिला है मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स नहीं रही है ना, तो हरनाजिक और संधू, पहला सुष्मिता सेन है, ये पहला सुष्मिता सेन है, फिर लारा दत्ता, फिर हरनाजिक और संधू है, ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन ना हो मिस वर्ल्ड भारत के कौन कौन रहे हैं, है ना, मिस वर्ल्ड भारत के कौन कौन रहे उनको भी मैं बता दे रहा हूं, आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी, मिस वर्ल्ड है ना, मिस वर्ल्ड भारतीय, मिस वर्ल्ड कौन कौन रही, ठीक है, तो मिस वर्ल्ड में सबसे पहला तो है रीता फारिया, पहला है रीता फारिया मिस वर्ल्ड, दूसरा नंबर पे है आपको ऐश्वर्या राय है ना, ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की पत्नी, तीसरा है डायना हेडन, तीसरी डायना हेडन, और फिर चौथी है युक्ता मुखी है ना, ये सब नाम कंफ्यूजन करेगा, काफ फेमस वाले को तो जानते हैं, है ना, बाकी को नहीं जानते, तो युक्ता मुफी, और इसके बाद एक और फेमस जिनका नाम जानना जरूरी है आपको, है ना, वो है प्रियंका चोपड़ा है ना, प्रियंका चोपड़ा ये झारखंड की है, प्रियंका चोपड़ा, तो ये आपको मिस वर्ल्ड का खिताब पांच भारतीयों को मिला है, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा, है ना, एक क्रम भी है आपका, सबसे पहले रीता फारिया को, और मिस वर्ल्ड मात्र, मिस यूनिवर्स मात्र तीन है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाजिक और संधू, हरनाजिक और संधू आपकी लेटेस्ट है, चंडीगढ़ की है, ओके, तो पर भी है, एक से यहां पर आया है, पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और इस तरीके से ये पुरस्कार और सम्मान से, है ना, पुरस्कार सम्मान का सेगमेंट जो पार्ट, दो पार्ट में आपको मैंने बताया वो कंप्लीट हुआ, फिर लेटेस्ट जैसे अभी एक और पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे अगले बार में, है ना, चूंकि 2021 नोबेल प्राइज का डिस्कशन नहीं है, नहीं कर पाए हैं आपके साथ, तो अगले पार्ट में आपका नोबेल प्राइज 2022 पर हम डिस्कशन करेंगे, नोबेल प्राइज
2022 पर डिस्कशन करेंगे और फिर इस तरह से और अन्य वीडियो के माध्यम से आपको एकदम सटीक परीक्षा के लिए उपयोगी आप तक समसामयिक समाचार करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, है ना। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे इस चैनल को आप जरूर देखें, हमसे जरूर जुड़ें, है ना। बाकी चीज़ें तो और लोग कहते ही हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, कि क्या क्या करना होता है जुड़ने के लिए, तो वो सब कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब इतना जानते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे हम मिलते हैं नवीनतम समाचारों के साथ और परीक्षोपयोगी समाचारों के साथ। सब समाचार नहीं, सब समाचार जानने के लिए हम लोग इस चैनल से नहीं जुड़ेंगे, हम लोग सिर्फ परीक्षा में उपयोगी समाचारों को जानने के लिए जुड़ेंगे, है ना, और इसका लाभ उठाएंगे। ओके, तो आप सबों का धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।